फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश तो कर दिया, लेकिन उसके साथ किंतु परंतु लेकिन तमाम चीज़ें ऐसी जोड़ दी हैं जिसके चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों की संख्या 33% तो नहीं ही होगी। महिला बिल पेश कर दिया गया है, पास भी होगा, लेकिन महिला बिल पास होने के बाद भी देश की संसद और प्रदेश की विधानसभा में 33% महिलाएं आरक्षण का लाभ 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि इस आरक्षण के साथ कुछ परिस्थितियां भी जोड़ दी गई हैं जिसमें पहले जनगणना होगी और इसके बाद लोकसभा का परिसीमन होगा। 2026 तक देश की महिलाओं को आरक्षण बिल का लाभ नहीं मिलेगा। देश की लोकसभा में जैसे ही महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, वैसे ही तमाम ऐसी महिलाएँ जो राजनीति से जुड़ी हुई थी, उनके दिल दिमाग में विधायक और सांसद बनने के स्वप्न जाग गए। लेकिन जैसे ही यह पता चला कि महिला आरक्षण बिल 2026 से लागू होगा, वैसे ही तमाम महिलाओं के चेहरे पर मायूसी भी दिखने लगी। महिला आरक्षण बिल पास होगा, इसके बाद भी इस बात की घोषणा की गई कि पहले जनगणना होगी, इसके बाद परिसीमन होगा, लेकिन इस पूरे मामले में न तो जनगणना की तिथि घोषित की गई है और न ही परिसीमन की। महिला आरक्षण बिल पेश करके नरेंद्र मोदी ने और कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन देश के 48% आबादी को साधने की जो बारीकी से कला दिखाई है, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। अभी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का नगाड़ा जमकर बजाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही देश की एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसने इस देश की महिलाओं को उनका वाजिब हक दिलाया है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि आज़ादी के बाद से इस देश की महिलाओं का जिस तरीके से शोषण हुआ, महिलाओं के साथ जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार हुए, लेकिन उन्हें राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी नहीं सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी ही देश की एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के सम्मान का बराबर ख्याल रखती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया और उसे पास कराया। नरेंद्र मोदी जनता से आशीर्वाद लेने के लिए 2024 में फिर से मैदान में जाएंगे और इस बार जिन दो चार दस प्रतिशत लोगों को नरेंद्र मोदी से नाराजगी रही होगी, निश्चित तौर पर इस चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने यह प्लान तैयार किया कि जो 2-4-10% वोट घट रहे हैं, उन 2-4-10% वोटों की पूर्ति कहां से की जाए। इसके लिए सबसे बेहतर और नायाब तरीका यही था कि एक इमोशनल कार्ड खेला जाए और उसे उस दो चार दस प्रतिशत वोटों की पूर्ति यहीं से कर ली जाए। निश्चित तौर पर महिला आरक्षण बिल वही इमोशनल कार्ड है जिसके चलते नरेंद्र मोदी 2-4-10% वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में कबाड़ लेंगे। आज की तारीख में किसी भी विपक्षी दल के पास स्वयं की इतनी ताकत नहीं है कि वह अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का मुकाबला पूरे देश में कर सके। इसलिए देश के अधिकांश राजनीतिक दलों ने मिलकर एक इंडिया नामक संगठन को जन्म दिया है और इस बात की तैयारी की जा रही है कि वोटों का विभाजन रोककर किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से रोक लिया जाए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अधिकांश विपक्षी दलों के पास न तो नीति है, न नियत है और न ही कोई देश के लिए एजेंडा। उनके पास सिर्फ एक एजेंडा है, मोदी हटाओ। मोदी को क्यों हटाना चाहिए, अगर इस बात का सवाल किसी नेता से किया जाता है तो उनके पास कोई वाजिब जवाब नहीं होता। फिर भी अधिकांश नेता यह कहते सुने जाते हैं कि देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं से यह पूछा जाए कि क्या जब आपकी सरकार देश में थी तब इस देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी नहीं थी, तो सारे नेताओं के चेहरे उतर जाते हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन के नेता इस बात को लेकर के खुश हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक गठबंधन तैयार कर लिया है जो 2024 में उन्हें
कड़ी टक्कर देगा। लेकिन बीते 8-10 वर्षों में अगर नरेंद्र मोदी के पूरे जीवन काल का निचोड़ निकाला जाए तो सच्चाई यह है कि उनका मुकाबला कोई आज तक ठीक से कर ही नहीं पाया। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, YouTube, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।